हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग और मेहनत कर रहे होंगे। आज का लेसन हमारा है द क्लेवर फार्मर। आप सभी इंग्लिश रेनबो पढ़ रहे हैं और अब तक हम 5 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी की कड़ी में ये 6ठा लेसन है। इसमें हम आज फिर से एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, तो आप लोग तैयार हैं? चलिए, आप पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाएं। कुछ चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी और हमेशा की तरह मैं आपको पीडीएफ मोड में ये लेसन कंप्लीट कराऊंगा। तो बिना डिले के शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि कहानी थोड़ी सी लंबी है बाकी लेसन की अपेक्षा। तो लेसन 6 है द क्लेवर फार्मर। क्लेवर माने होता है चालाक, चतुर। फार्मर माने जानते हैं, जिससे हम कहते हैं किसान, खेती करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें किसान कहते हैं। तो एक चालाक किसान की एक कहानी है, क्लेवर फार्मर की कहानी है। तो ध्यान से सुनिए, बहुत मज़ेदार कहानी है। इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये पाठ काफ़ी मज़ेदार भी लगेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक एक लाइन में पढ़ता जाऊंगा, आप पीछे पीछे रिपीट करते चलिए, फिर मैं अर्थ बताता जाऊंगा। आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहां लिखा है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। अब मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए। जैसे मैं बोलता दिस, तो आप बोलेंगे दिस, है ना? दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना समझ लेते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। यह एक चालाक किसान की कहानी है, यह एक चालाक किसान की कहानी है। हु लिव्स ऑन हिल साइड, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जहां पहाड़ होते हैं वहां के क्षेत्र को हिल साइड बोलते हैं। वेयर, जहां पे, यानी उस क्षेत्र में फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, वहां पे किसान टेरेस फार्मिंग करते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? सीढ़ीदार खेत होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं अभी। देखिए, ऐसा होता है टेरेस फार्मिंग। आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा पहाड़ है, पहाड़ पे ये सीढ़ीदार खेत हैं। यहाँ पे देखिए, खेत बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में जो ऊंचा नीचा होता है, ज़मीन जो ऊंची नीचे होती, वहीं पे इस तरह से छोटा छोटा भाग बराबर करके खेत बना लेते हैं लोग। देख रहे हैं, ऐसे खेत होते हैं पहाड़ों पे। जैसे सीढ़ी लग रहा है ना, जैसे हम यहाँ चढ़ना चाहें ऐसे, तो यहाँ से ऐसे 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 चढ़ते चले जाएं, तो इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत। एक दो पिक्चर और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये भी, अब यहाँ देखिए, ये एक यहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है, ये यहाँ पे, ये पूरा पहाड़ टाइप का दिख रहा है ना, पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ देखिए पानी लगाया गया है, तो ऐसे टेरेस फार्मिंग की जाती है। इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत, ठीक है? तो ये पहाड़ी एरिया में ये खेत होते हैं, हम लोगों के यहाँ ये खेत नहीं होते हैं। तो टेरेस फार्मिंग समझ में आ गया। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई, कहा गया कि एक किसान की कहानी है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है और जो, जहाँ पे लोग कैसी खेती करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, सीढ़ीदार खेत करते हैं। अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार, वंस माने एक बार, अ फार्मर एक किसान ने बॉट माने खरीदा, अ फील्ड एक खेत, नियर अ हिल साइड पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के पास, पहाड़ी क्षेत्र के पास। तो इसका मतलब वह एक बार एक किसान ने पहाड़ी क्षेत्र के पास एक खेत खरीदा। ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स। तब उसने खरीदा क्या? पेयर ऑफ बुलक्स, बैलों की एक जोड़ी। पेयर माने जोड़ी होती, बुलक्स माने बैल। फिर उसने, भाई जब खेत खरीद लिया तो क्या करेगा, बैलों की एक जोड़ी खरीदा। बैलों की जोड़ी आपको दिखाते हैं कैसे होती है।
ये देखिए, ऐसे एक बैलों की जोड़ी खरीदा। भाई क्या करेंगे बैल की जोड़ी लेकर के? बैल की जोड़ी लेकर के खेत जोतेंगे। तो उस किसान ने पहले खेत खरीदा, फिर एक बैलों की जोड़ी खरीद लिया। एंड बिगैन प्लॉइंग हिज फील्ड हैप्पली, और शुरू किया, बिगेन मैंने शुरू किया प्लोइंग मैंने जोतना हिज फील्ड, अपने खेत को, हैप्पली मैंने खुशी खुशी, और अपने खेत को खुशी खुशी जोतना शुरू किया। जैसे कि मैंने इस फोटो में दिखाया था आपको कि देखिए ये लोग जोत रहे हैं, अपने खेत को जोत रहा है, तो ऐसे वो खेत को अपना जोतना शुरू किया बैलों की जोड़ी लेने के बाद। ठीक है, तो किसान अपना भाई खेत जोत रहा है। हार्डली हैड ही प्लॉड हाफ ऑफ द फील्ड, हार्डली मुश्किल से ही प्लोड उसने जोता होगा हाफ आधा ऑफ द फील्ड, खेत का मुश्किल से उसने आधा ही अपना खेत जोता होगा। व्हेन जब अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी केम आ गया एंड और कैरीड, चिल्लाया, क्राइड, चिल्लाया आउट, क्राइड आउट चिल्लाया एंग्रली, गुस्से से, जब वो मुश्किल से अपना आधा ही खेत जोता होगा, तभी एक बड़ा लंबा सा आदमी आया और वो गुस्से से चिल्लाया, क्राइड आउट एंगरली, गुस्से से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, क्या बोला, हे यू देयर, माय हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल, अरे तुम, उसको कहता हे तुम, मेरा हाउस, मेरा घर है एट द फुट ऑफ द हिल, इस पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के पैर का मतलब पहाड़ी के नीचे, अरे तुम, मेरा घर पहाड़ी के नीचे है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो ऑन माई टेरेस, मेरे सीढ़ीदार खेत पे तुम क्या कर रहे हो। झूठ से ही उसने उसको जो है डराया, कह रही मेरा तो पहाड़ी के नीचे घर है और ये मेरा खेत है, तुम मेरे खेत पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे टेरेस पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं, कृपया गुस्सा ना करें। कृपया हम बोलते हैं जब किसी को प्यार से कोई बात बोलना हो तो कृपया बोलना चाहिए, प्लीज बोलना चाहिए ना। तो कहता है प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, कृपया गुस्सा मत होइए, बी काम, शांत हो जाइए, बी काम का मतलब शांत हो जाइए। तो वो प्यार से रिप्लाइड द फार्मर, उस किसान ने जो खेत जोत रहा था उसने उत्तर दिया कि कृपया गुस्सा ना होइए, शांत हो जाइए। और क्या कहता है, आई एम प्लॉविंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं जोत रहा हूँ फील्ड, खेत को, टू सो बोने के लिए, सीड्स बीज, मैं खेत को बीज बोने के लिए जोत रहा हूँ। व्हेन यानी जब, आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा, क्रॉप माने फसल, ग्रो माने उगाना, पैदा करना, जब मैं फसल पैदा करूंगा, जब मैं फसल उगाऊंगा, आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर, आई शैल शेयर, मैं बांटूंगा, शेयर माने बांटना, द हार्वेस्ट फसल को, कटी हुई फसल को, विद यू तुम्हारे साथ, एवरी ईयर हर साल। तो कह रहा है कि मैं जब फसल तैयार कर लूंगा तो मैं हर साल तुम्हारे साथ जो फसल हमारी रहेगी उसको बांट लूंगा, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। वन ईयर एक साल, यू टेक तुम ले लेना, व्हाट ग्रोज बिलो जो पैदा होता है नीचे, द ग्राउंड जमीन के। तो कहता है एक साल जो जमीन के नीचे पैदा होगा तुम ले लेना, एंड द नेक्स्ट ईयर और अगले साल, यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, तुम वो ले लेना जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, अबव द ग्राउंड जमीन के ऊपर। तो उसने कहा भैया परेशान ना होइए, गुस्सा ना करिए, शांत हो जाइए, मैं हर साल खेती करूंगा फिर तुमसे बांट लूंगा। हाँ एक साल तुम जमीन के ऊपर वाली चीज ले लेना, एक साल तुम जमीन के नीचे वाली चीज ले लेना, ऐसा उसने कहा। द टॉल मैन, वो लंबा सा आदमी, वॉज प्लीज्ड, वो लंबा सा आदमी खुश हो गया, वो समझ गया बहुत बढ़िया यार, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे जो है फसल भी मिल जाएगी, इसलिए वो क्या हुआ, खुश हो गया। He had no idea of the farmer's plan. उसे कोई आइडिया नहीं था, उसे कोई विचार नहीं था, उसे कुछ नहीं पता था द फार्मर्स प्लान, फार्मर्स किसान की योजना के बारे में, ऑफ फूलिंग हिम, उसे मूर्ख बनाने की, यानी उसे कुछ भी पता नहीं था कि किसान की योजना उसे मूर्ख बनाने की है, किसान उसे मूर्ख बनाएगा, ऐसा उसे कुछ पता नहीं चला। वो खुश हो गया कि ठीक है मुझे फसल मिलेगी बिना काम किए। ओके भाई, अब किसान क्या चालाकी करेगा, देखिए, द फर्स्ट ईयर, पहले साल, द फार्मर सोड व्हीट, पहले साल किसान ने गेहूं बोया। भैया गेहूं तो देखा होगा सभी ने ना, देखिए मैं आपको गेहूं दिखाता हूं, अभी मैंने गेहूं की पिक्चर रखी है,
ये देखिए सभी लोग गेहूं काट रहे हैं, ये गेहूं की फसल है। आपने देखा होगा आप लोगों के गांव में भी गेहूं होता है, तो गेहूं तैयार होता है उसके बाद लोग काटते हैं। तो गेहूं में यहाँ पे देख रहे हैं दाना कहाँ पड़ेगा, ऊपर की जमीन के नीचे, यही तो ये बाली है गेहूं की, तो यही तो दाना रहेगा, यानी जमीन के ऊपर। ठीक है, तो पहले साल किसान ने क्या बोया, गेहूं। क्या हुआ, ही टुक ऑल द वीट एज इट ग्रो अबव द ग्राउंड। उसने भाई पूरा वीट माने गेहूं ले लिया। ही टुक ऑल द ग्राउंड, ही टुक ऑल द वीट, उसने पूरा गेहूं ले लिया। एज इट ग्रो अबव द ग्राउंड, क्योंकि ये जमीन के ऊपर पैदा हुआ था। एंड गेव रूट्स, और जड़ें दे दिया। द टॉल मैन, उस बड़े लंबे से आदमी को जड़ दे दिया उसकी। विच वर ब्लो द ग्राउंड, क्योंकि वो जमीन के नीचे थी। भाई क्यों, क्योंकि शुरू में यही शर्त तो रखा था किसान ने कि भैया एक साल तुम जमीन की जो नीचे पैदा होगा वो ले लेना, और अगले साल जो जमीन के ऊपर पैदा होगा वो ले लेना। तो इस बार गेहूं, इस बार किसान ने गेहूं बोया। तो भाई जब किसान ने गेहूं बोया तो चूंकि गेहूं जमीन के ऊपर था, तो उसने पूरा गेहूं रख लिया और उसको जड़ दे दिया, क्योंकि जड़ तो जमीन के नीचे था। ठीक, अब क्या हुआ, द टॉल मैन गॉट एंग्री, वो लंबा आदमी गुस्सा हो गया क्योंकि उससे कुछ नहीं मिला, जड़ में तो कुछ नहीं होगा भाई, वो तो किसी काम के नहीं, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। ही टोल्ड, उसने बोला, कहा फार्मर किसान से, दैट कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट टाइम, अगले टाइम, अगली बार, ही वुड टेक द पार्ट, वो भाग लेगा, विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, जो जमीन के ऊपर पैदा होगा। तो वो गुस्से से बोला कि ठीक है, तुमने इस बार मुझे बेवकूफ बनाया, लेकिन नहीं, अगली बार मैं ऊपर की चीज लूंगा, तुम नीचे का लेना, ऐसा वो कह रहा है। ओके, द फार्मर अग्रीड, किसान राजी हो गया, किसान सहमत हो गया, अग्रीड मैंने सहमत होना, राजी हो जाना। किसान ने कहा ठीक है भैया, तुम जो है इस बार ऊपर की चीज ले लेना। तब क्या हुआ भाई, द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द फार्मर, किसान ने ग्रीव माने उगाया ग्राउंडनट्स, मूंगफली। अगले साल किसान ने मूंगफली बो दिया। अब मूंगफली का पेड़ कैसा होता है वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये है मूंगफली का खेत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भैया, ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर तो केवल पत्ती पत्ती है, जैसे आलू आपने देखा होगा, आलू ऊपर रहता है, आलू का पेड़, और आलू जमीन के अंदर रहता है, तो ये ऐसे ही मूंगफली होती है। और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे पूरा आप साफ देख पा रहे होंगे, ये मूंगफली का खेत है, सॉरी, ये मूंगफली का खेत है पूरा, है ना। और इसमें इस तरह से जैसे आलू पेड़ी बना के लगाई जाती है, वैसे मूंगफली लगाई जाती है, और जब इसको उखाड़ेंगे तो ये ऐसे जड़ में मूंगफली लगी रहती है। तो इस बार किसान ने फिर चालाकी किया, चूंकि लंबे आदमी ने कहा कि नहीं इस बार मैं ऊपर की चीज़ लूंगा, तो किसान ने कहा ठीक है बेटा तुम ऊपर का ही ले लेना। तो उसने क्या बो दिया, मूंगफली बो दिया। अब क्या होगा, अब समझ गए होंगे आप कहानी क्या हुआ। वेन द क्रॉप वॉज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, द फार्मर, किसान ने टुक ले लिया ऑल द ग्राउंड नट, सभी मूंगफली, सारी की सारी मूंगफली ले लिया। एज इट ग्रीव, क्योंकि ये पैदा हुई थी बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे, क्योंकि जमीन के नीचे निकली मूंगफली। द पुअर टॉल मैन, वो हो गरीब नहीं, यहाँ पे बेचारा कहेंगे, उस वह बेचारा लंबा आदमी, गॉट माने उसे मिला, ओनली लीव्स, केवल पत्तियां, उस बेचारे आदमी को केवल, उस बेचारे लंबे आदमी को केवल पत्तियां मिली। क्यों, क्योंकि विच वर अबव द ग्राउंड, क्योंकि पत्तियां ही जमीन के ऊपर थी, जमीन के ऊपर पत्तियां थी, तो बेचारे आदमी को पत्तियां मिल गई। इन दिस वे, इस तरह से, द टॉल मैन, वो लंबा आदमी, वॉज फूल्ड, मूर्ख बनाया गया बाई द फार्मर, किसान के द्वारा, अगेन, फिर से, इस तरह से उस लंबे आदमी को किसान द्वारा फिर से मूर्ख बना दिया गया। अब यहाँ पे इस कहानी का जो है मॉरल दे रहे हैं, नैतिक शिक्षा, कि क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, चतुराई बुद्धिमानी नहीं है, चालाकी दिखाना ही बुद्धिमानी नहीं है। किसके लिए बोला गया, उस लंबे आदमी के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो चालाकी कर रहा था। पहले तो उसने झूठ मूठ के कह दिया कि ये मेरा खेत है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, है ना। फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं मुझे इस बार ऊपर की चाहिए, उसने चालाकी दिखाया कि मैं इस बार ऊपर को लूंगा, नीचे को नहीं लूंगा। तो भाई वो चालाकी कर रहा था, तो किसान अपनी बुद्धिमानी लगा रहा था, अपनी बुद्धि बुद्धि से काम ले रहा था। इस तरह से उसने अपनी बुद्धिमानी से उस लंबे आदमी को बेवकूफ बना दिया दो दो बार। ठीक, तो ये कहानी इतनी सी है, इसमें यही आपको जानना था। आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसका पूरा हिंदी अनुवाद मैंने दे रखा हुआ है, यहाँ देख रहे होंगे। एक चतुर किसान की कहानी है, जो पहाड़ी पर रहता है, जहाँ किसान छत पर खेती, सीढ़ीदार खेत करते हैं। एक बार एक किसान ने पहाड़ी के पास एक खेत खरीदा, फिर उसने एक बैलों की जोड़ी खरीदी और खुश अपने खेत को जुताई कर दी।
शुरू कर दी। मुश्किल से उसने आधे खेत की जुताई की थी जब एक लंबा आदमी आया और उसने गुस्से में चिल्लाया, अरे तुम मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है, आप मेरी छत या सीढ़ीदार खेत में क्या कर रहे हो? कृपया वो कहता, कृपया क्रोधित ना हो, शांत रहें। किसान ने जवाब दिया, है ना, तो ये अच्छी पूर्ववाही मैंने कहानी लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आराम से लिखने की जरूरत पड़े तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चतुराई यानी बुद्धिमानी, यह बुद्धिमत्ता नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, आपको याद करना है। क्लेवर फार्मर मैंने बता दिया, चालाक किसान, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र, टेरेस फार्मिंग सीढ़ीदार खेत कैसे होते मैंने दिखाया फोटो में, बॉट मैंने खरीदा, क्या खरीदा, खेत खरीदा था, बुलक्स मैंने बैल, प्लॉइंग मैंने हल चलाना या खेत जोतना होता है, फील्ड मैंने खेत होता है, हार्डली मुश्किल से, एंग्रली गुस्से से, बी का मैंने शांत, सीड्स मैंने बीज, क्रॉप मैंने फसल, हार्वेस्ट मैंने फसल या उपज, बिलू माने नीचे, ग्राउंड माने जमीन, नेक्स्ट ईयर माने अगले साल, अवब माने ऊपर, प्लीज्ड माने खुश हुआ, कौन खुश हुआ, किसान, फूलिंग माने मूर्ख बनाया, मूर्ख बनाना, वीट माने गेहूं, रूट्स माने जड़ें, अग्रीड माने सहमत हुआ, ग्राउंडनट्स माने मूंगफली, क्लेवरनेस माने चालाकी या चतुराई, विजडम माने बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता। तो इस लेसन में इतना ही था, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसमें किसान है जिसने अपनी चालाकी से एक लंबे आदमी को बेवकूफ बनाया, तो इसीलिए इस लेसन का नाम है द क्लेवर फार्मर। ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और इसको एक दो बार देखेंगे रिपीट करके वीडियो को, दो हर एक चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे ही मैं अगला लेसन बनाऊंगा आपके लिए, चित्र दिखाऊंगा जहां जरूरी होगा, ग्राफिक्स दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, कोई चीज कम समझ में आए तो उसके लिए दो तीन बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन वीडियो की पीडीएफ जो मैं ये बनाया हूं, मैं ये देता रहता हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहती हैं, आप अगर गार्जियन हैं या बड़े हैं तो प्लीज पीडीएफ डाउनलोड करके बच्चों तक पहुंचाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। इसी तरह से मैं आपको वीडियो देता रहूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। तब तक, जब तक कि अगला वीडियो आता है, आपको गुड लक, तैयार करते रहिए, मेहनत करते रहिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई से रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।